हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल 12.11 फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। आपको दिया हुआ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई 100 जूल इन ईच सेकंड, मींस टाइम है 1 सेकंड, और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फॉर्मूला क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड कितना होता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ देखिए, आपके पास आई नहीं है, करंट की वैल्यू नहीं है, तो हम ओम्स लॉ से यहाँ पर आई को क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आर लिख सकते हैं, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो आई विल बी वी अपॉन आर। तो यहाँ पर आई की जगह मैं वी अपॉन आर अगर लिख दूं, आई स्क्वायर कर दें, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना मिल गया? वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इज v स्क्वायर अपॉन r t। यहां से हमें v स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं पहले, h r अपॉन t, ये तो क्लियर हो गया। r की साइड चेंज की, ये इधर गया डिनोमिनेटर था, इधर जाके न्यूमरेटर हो गया, ये न्यूमरेटर था, दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर हो गया। अब वैल्यूज ले लेते हैं, 100 जूल, रेजिस्टेंस 4 ओम, टाइम 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, 4 into 100 इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, सो वी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड दैट इज 20 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट।